तो गाइस यार कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे गाइस मैं पिरामिड क्यूब से रिलेटेड कोई भी पैटर्न सीक्वेंस ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ पे इन दोनों का जो बड़ा भाई है यानी कि हमारा जो पिरामिड क्यूब है इसके बारे में मैं आपको वीडियो बताऊंगा। यहाँ पे इसी के रिलेटेड से सीक्वेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 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 गाइस यहाँ पे अगर आपने पिरामिड क्यूब का रिव्यू फुल डिटेल अगर आपको नहीं पता है, आपको अगर चाहिए पिरामिड क्यूब तो आई बटन पे आपको पिरामिड क्यूब का अनबॉक्सिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जैसे हमारा रूबिक्स क्यूब में होता है जैसे कि आर आर प्राइम डी डी प्राइम ऐसा ऐसा होता है ना, लेयर्स का पैटर्न्स का नेम यानी कि एल्गोरिदम जो होता है वो आखिर हमारा पिरामिड क्यूब में कैसे यूज होता है वो मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे गाइस देखो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर क्या इसमें सीक्वेंस क्या होता है। ये हमारा है कॉर्नर पीस होता है, ये हमारा कॉर्नर पीस है और ये कॉर्नर पीस है। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये और ये हमारा है सेंटर पीस है, ये ग्रीन और ये ग्रीन हमारा सेंटर पीस है। और ये जो है हमारा ये मिडिल पीस है। ठीक है, सेंटर पीस है जो कि गाइस कभी मतलब चेंज नहीं होता है, कभी इसके कलर्स मतलब इधर से उधर नहीं होता है, एकदम सीक्वेंस के हिसाब से रहते हैं। लेकिन ये मिडिल पीस है, ये मिडिल पीस आपका है चेंज होता है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे है जो बात आती है हमारा जो मतलब आर प्राइम डी प्राइम ये कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे गाइस आर का मतलब होता है ये टाइप का, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे है हम पिरामिड क्यूब में मतलब ये इस टाइप का ये जो हमारा लेयर है इससे हम इस टाइप का करते थे टर्न्स तो हमारा आर होता था। और यहाँ पे गाइस आप इस टाइप का करेंगे यानी कि यहाँ पे ये जो आपका ये पीस आपका मूव होगा इससे आप इस साइड का आप करेंगे तो ये हमारा आर हो गया, और इसी का उल्टा अपोजिट करेंगे तो हमारा आर प्राइम हो गया। ठीक है, अब एल और एल प्राइम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एल और एल प्राइम होता है ऐसे, आप ऐसे टाइप का आप करते हैं जैसे कि यहाँ पे ये इस टाइप का हो गया, इस टाइप का मतलब अगर आप ट्रांस कर रहे हैं तो इसे हम एल बोलते हैं पिरामिड क्यूब में। और इस टाइप का अगर आप करते हैं तो ये हमारा एल प्राइम हो गया, ये हमारा एल प्राइम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे यू और यू प्राइम के बारे में बताता हूँ। यू यानी कि आपका ये वाला ये यहाँ से आपका जो ये सीक्वेंस है ये यहाँ पे आप इस टाइप का आप टर्न करेंगे ये हमारा यू हो गया, और ये यहाँ पे हमारा यू हो गया इस टाइप का यू, और यू प्राइम इस टाइप का हो गया यहाँ पे यू, ये हमारा यू प्राइम है। ठीक है, ये हमारा यू प्राइम है। और फिर अभी हम डी और डी प्राइम के बारे में आपको बता देता हूँ। तो डी प्राइम होता है कुछ इस टाइप का, यहाँ पे डी प्राइम ना आपको इस टाइप का मिलता है, ये इस टाइप का है। आप इधर के साइड के आप मतलब डाउन लेयर आपको इस टाइप का मूव कर रहे हैं तो ऐसे हम डी प्राइम बोलते हैं पिरामिड क्यूब के सीक्वेंस में। ठीक है, और यहाँ पे है और डी इस टाइप का बोलते हैं, डी इस टाइप का है। आप देखो ये हमारा हो गया, हमारा ये जो डाउन लेयर जो कि मैं इधर लेफ्ट से राइट साइड के कर रहा हूँ ये हमारा डी हो गया। ठीक है, और F मैं आपको बता देता हूँ F क्या ऐसे आपका हो आपका होता है। यहाँ पे F और F प्राइम आपको यहाँ पे पीछे के साइड पीछे के पीस आपको ऐसे कैच कर लेना है, और यहाँ पे है आपको इस टाइप का आपको करना है, क्या करना है यहाँ पे है इस टाइप का अगर आप करते हैं तो ये आपका है F हो गया। ठीक है, इस टाइप का अगर आप करते हैं तो F हो गया, और इस टाइप का आप करते हैं तो आपका है F प्राइम हो गया। ठीक है, F प्राइम हो गया। यहाँ पे आपको जो कि गैस ये पकड़ के रखना है, ये आपको टर्न नहीं करना है, आपको यहाँ से पकड़ के रखना है, और आप इस टाइप का करेंगे तो यानी कि आपका ये F प्राइम हो गया, और इस टाइप का आप करेंगे तो आपका है F हो गया। ठीक है, तो अभी ये हो गया, अभी है हमारा जो लास्ट है D है, वो D कैसे करते हैं यानी मतलब D ने बी यानी कि बैक लेयर कैसे हम करते हैं वो देखो मैं आपको बताता हूँ। बैक लेयर यानी कि हमारा ये पीछे का लेयर हो गया जो अभी मैं पकड़ के रखा था उसी को हम बैक पीस बोलते हैं। बैक यानी कि और अगर आप इस टाइप का करते हैं तो ये हमारा है B हो गया। हम देखो यहाँ पे इस टाइप का करते हैं तो आपका है B हो गया, और B प्राइम आपको करना है तो इस टाइप का आपको करना होता है यहाँ पे B, ये हमारा है जो B प्राइम, ये B प्राइम हो रहा है यहाँ पे देखो यहाँ पे इस साइड से मैं कर रहा हूँ ये हमारा B प्राइम हो गया। और आपको है यहाँ पे मैं अब
बता देता हूँ आर टू और ये मतलब कैसे होता है। आर टू यानी कि हमें दो बार मूव्स करना था, तो बस वही सिंपली से आर टू इस टाइप का करना है। आर टू प्राइम कैसे मतलब आर टू प्राइम कैसे करना है, तो वही बस इसका ऑपोजिट करना होता है। बस यही था यार एक छोटा सा ट्रिक बस। अब यार चैनल पे यार देखो भाई मैंने ना इसका क्यूब प्रैमिक्स क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं इसका भी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द यार प्रैमिक्स क्यूब का एडवांस ट्रिक क्या है कैसे सॉल्व करते हैं इसका भी मैं वीडियो लेके बहुत ही जल्द आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर कर देना।